हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है शरीर संरचना एवं शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके अंतर्गत 15 से 20 टॉपिक आते हैं। तो इन सभी 15-20 टॉपिक यानी कि 15-20 वीडियो हो जाएंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन, जिसके माध्यम से आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं, थ्योरी सेशन है, प्रैक्टिस सेट है, एंड मैंने बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट जितने भी कराया हुआ है आप उसको बिहार या स्टेट जो फिजिकल एजुकेशन 9th-10th के लिए आप मार्च में एग्जाम होगा उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड बीपीएससी के लिए भी देख सकते हैं, एंड ऑल फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया गया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है थ्योरी सेशन का भी एंड आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस का भी। तो दोस्तों, मैं आपको नए तरीके से पूरे चैप्टर का एक बार वन लाइनर क्वेश्चंस करा रही हूँ, जैसा कि 5-6 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, एंड जितने भी टॉपिक हैं सबको क्लियर करके फिर से मैं एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कराऊंगी चैप्टर वाइज। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंतर्गत आज का क्वेश्चन है सेलुलर सिस्टम यानी कि कोशिका तंत्र, जिसके अंतर्गत ब्लड एंड कोशिका एंड टिश्यू से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस होंगे एंड मसल से रिलेटेड। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, जैसा कि आपको कोशिका तंत्र सेल जो होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होता है जिसे बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। जैसे एक एक ईंट से मिलकर दीवार बनता है, दीवार से मिलकर एक कमरा बनता है, कमरे से मिलकर एक घर बनता है, उसी तरह एक एक कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, और सभी अंग प्रणाली को मिलाकर हमारे शरीर की रचना होती है। इस प्रकार हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, बिल्डिंग ब्लॉक होती है कोशिका यानी सेल। इस प्रकार क्वेश्चंस के शुरुआत करते हैं दोस्तों कि जीवित कोशिका की कौन सी संरचना है जिसे आत्महत्या की थैली कहलाती है। आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। जैसे कि हमारी कोशिका होती है चारों तरफ से कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, और कोशिका के अंदर जैव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म होता है, और जिसे हम कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में सोसाइटल बैग कहते हैं, और इसको डाइजेस्टिव बैग यानी कि कोशिका का पाचन बैग भी कहते हैं, और इसको कोशिका का एटम बम भी बोला जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो हमारा लाइसोसोम होता है यह हमारे कोशिका के अंदर सफाई करने का काम करता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन यह भी आ जाए कि कोशिका के अंदर सफाई करने का काम कौन करता है, तो वह लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डीवे ने किया था दोस्तों। लाइसोसोम जो है वह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, और यह जो कार्य होता है कोशिका की सफाई करने का काम कोशिका के अंदर पादप कोशिका में रिक्तिका के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो साइंस का क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। लाइसोसोम के अंतर्गत जल अपघटक एंजाइम होता है, और ये जो जल अपघटक एंजाइम भी होता है, इसे पाचक एंजाइम भी होता है, और लाइसोसोम के अंतर्गत जो पाचक एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन वसा यानी लिपिड्स को तोड़ता है यानी पचाता है, और प्रोटीन वसा तथा केंद्रक अम्ल को अलग अलग तोड़ देता है। और जब कोई सूक्ष्म जीव कोशिका में प्रवेश करता है तो इन्हीं पाचक एंजाइम्स के कारण नष्ट हो जाता है, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का पाचन बैग यानी कि डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। यानी कि लाइसोसोम जो होता है बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और मृत कोशिका को नष्ट करने का काम करता है। और जो भी खराब कोशिकाएँ होती हैं, जैसे कि आपको चोट लगता है, चोट लग गया, घाव बन गया, उसमें से जो भी खराब कोशिका है उसको नष्ट कर देता है और उसको फिर नया रूप में दे देता है यानी सफाई करता है।
अगर पूरी कोशिका ही अनुपयोगी हो जाती है दोस्तों, तो लाइसोसोम खुद फट जाता है, उसके अंतर्गत जो अजल अपघटक एंजाइम यानी पाचक रक्स होता है उसको मुक्त कर देता है, जिससे पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है, और इसको कोशिका का एटम बम भी बोला जाता है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इसी के फटने से कोशिका विभाजन का आरंभ होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता दोस्तों, इसलिए उसका सफाई करने का काम नहीं हो पाता है। इसलिए आरबीसी जो होता है कहाँ जाके मरता है, यह स्प्लीन यानी कि प्लीहा में जाकर मर जाता है। इसलिए स्प्लीन यानी प्लीहा को ब्लड बैंक यानी आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये आपको लाइसोसोम के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा जितना मैंने बताया है, इससे बाहर नहीं पूछ सकता। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं बहुत एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ कि वीडियो देखने पर आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि जीवित कोशिका की कौन सी संरचना जैव प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है या आणविक मशीन बोला जाता है। ठीक, तो राइबोसोम को आणविक मशीन जो प्रोटीन बनाती है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिएगा, एंड याद रखिएगा कि जो पैंक्रियाज होती है यानी अग्नाशय होती है उसमें राइबोसोम अधिक मात्रा में होता है, और पैंक्रियाज से जो लैंगर हैंस की कोशिकाओं से बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है उसमें भी राइबोसोम अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, और राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 यश प्रकार का और बड़ा यूकैरियोटिक में 80 यश प्रकार का होता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। ठीक है, और याद रखिएगा जो राइबोसोम होता है वह प्रत्येक कोशिका में हजारों की संख्या में होता है, जो खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर छोटे छोटे बिंदुओं के आकार की होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर का कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा बनता है कोशिकीय श्वसन के द्वारा। किस श्वसन के द्वारा, कोशिकीय श्वसन के द्वारा यहाँ पे क्या बनता है, ऊर्जा बनता है माइटोकांड्रिया में, इसलिए इसको ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह। यहाँ पे कोशिकीय श्वसन होता है, ऊर्जा बनता है, इसलिए इसको ऊर्जा पैदा करने का मुख्य केंद्र कहा जाता है। दोस्तों जो आंतरिक श्वसन जो होता है इसमें जो है माइटोकांड्रिया में जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, वाह श्वसन और आंतरिक श्वसन। वाह श्वसन फेफड़ों में संपन्न होता है, आंतरिक श्वसन यानी सेलुलर श्वसन कोशिकाओं में संपन्न होता है। वाह श्वसन फेफड़ों में होता है यानी वाह श्वसन में भी दो क्रियाएं होती हैं, श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। श्वास को अंदर लेने को हम इंस्पायरेशन यानी इनहेलेशन कहते हैं, एंड बाहर छोड़ने को एक्सहेलेशन यानी कि एक्सपायरेशन कहते हैं। जब फेफड़ों में हवा जाता है, हम अंतर्ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे जो एल्वियोलाइज होती है, वहाँ पे आपके जो जो हृदय की पल्मोनरी धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त लेकर के फेफड़ों में शुद्ध होने को आती है, तो वहीं पे जो एलाइज होती है फेफड़ों की, वहाँ वहीं पे गैसों का डिफ्यूजन होता है, अदला बदली होता है, ट्रांसफर होता है, और एलाइज से ऑक्सीजन जो है रक्त में चला जाता है, यानी कि आरबीसी में, रक्त के आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ले लेता है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों से होते हुए नाक के द्वारा बाहर आ जाता है। तो जो ऑक्सीजन होता है रक्त शुद्ध होकर के कहाँ चला जाता है, फिर पल्मोनरी सीधा लेकर के जाता है हृदय के बाएँ अलिंद में, और बाएँ अलिंद से फिर बाएँ नीलय में, और बाएँ नीलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, महाधमनी से शरीर के समस्त अंगों के कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है।
और वहां कोशिकाओं में पहुंच करके कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप पहला संपन्न होता है कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत 2-pyruvic अम्ल का निर्माण होता है, यानी 2 ATP निर्माण होता है जो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। अनएरोबिक रिस्पायरेशन जिसे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, यानी ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसमें 2 ATP का निर्माण होता है, 2-pyruvic अम्ल का निर्माण होता है। यही 2-pyruvic अम्ल माइटोकांड्रिया में जाता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और वहां पे कुल 36 ATP का निर्माण होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। एटीपी का निर्माण करता है माइटोकांड्रिया, यानी ऊर्जा का निर्माण करता है, और यही एटीपी जहां जहां शरीर को आवश्यकता होती है ऊर्जा की, वहां वहां भेजा जाता है। इस प्रकार दोस्तों, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और माइटोकांड्रिया को दे देता है। माइटोकांड्रिया में जाकर के ऑक्सीजन एक साइकिल चक्र चलाता है, जिसे चिन्ह रिएक्शन करता है, जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसी के द्वारा 36 ATP का निर्माण होता है, यानी कि कोशिकीय श्वसन के द्वारा कुल 38 ATP का निर्माण होता है। 2 ATP आपका निर्माण होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में और 36 ATP माइटोकांड्रिया में, यानी क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। यानी कि एक ग्लूकोज के जारण से कुल 38 ATP निर्माण होता है, याद रखिएगा। इस प्रकार हम कहते हैं कि माइटोकांड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक ही वीडियो देखने से आपको सब कुछ समझ में आ जाए, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। तो जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं दोस्तों? तो जैसे कि आपके जो बिल्डिंग होता है, मकान होता है, उसका मूल इकाई क्या होता है? ईंट। उसी तरह हमारे जीवन यानी शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन कहलाता है? मूल इकाई सेल यानी कोशिका। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, खाद अणुबंधों की, खाद अणुबंधों की ऊर्जा से बने उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों को जो हमारी कोशिकाओं में छोड़े और रखे जाते हैं वो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP। ATP जो है हमारे पेशियों में संग्रहित रहता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो इसी ATP से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? यही ATP जो है CP और एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा जब हम तुरंत काम करते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो इसी ATP यानी ऊर्जा का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं जो कोशिकाओं में छोड़े और रखे जाते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको रक्त में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि रक्त 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो द्रवीय भाग होते हैं पानी जैसा, वो प्लाज्मा होता है जो रक्त का 55% भाग होता है। कितना परसेंट होता है? 55%। दूसरा होता है ब्लड सेल्स, जो ठोस वाला भाग होता है, जिसे रक्त कणिकाएं हिंदी में कहते हैं, जो रक्त का 45% भाग होता है, जिसके अंतर्गत RBC, WBC, प्लेटलेट्स आता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट, जैसे कि दोस्तों रक्त के बारे में हम बात करें तो जो रक्त होता है, प्रति 100 ml रक्त में 15 g क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। याद रखिएगा, जो हमारा रक्त का pH मान होता है 7.35 से 7.45 तक होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, जो रक्त का निर्माण होता है वह भ्रूणावस्था में, जब बच्चा भ्रूण रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो लीवर में होता है एंड लीवर के मेसोडर्म में होता है। और जब वयस्क हो जाता है तो रक्त का निर्माण बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हृदय वाहिनी के कोशिका में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है। यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ पे दोस्तों हृदय वाहिनी के केशिका होना चाहिए, कोशिका नहीं, ठीक है? ठीक है, हृदय वाहिनी के केशिका में, यानी कि जब महाधमनी रक्त को लेकर जाती है तो कई छोटे छोटे धाराओं में बह जाती है, जिसे रक्त केशिका कहते हैं। तो हृदय वाहिनी के केशिका में रक्त की बहाव की गति सबसे कम होती है। तो यही, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त के बहाव की गति सबसे कम कहाँ पे होती है, तो हृदय वाहिनी के केशिका में होती है, या सीधे केशिका रहेगा तो केशिका आपका राइट रहेगा।
नेक्स्ट दोस्तों, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं। जो न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं होती हैं वो हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं, यानी कि जो WBC होता है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं वो केंद्रक युक्त होती है, RBC में केंद्रक नहीं होता है जबकि WBC में केंद्रक होता है। और WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बना के रखती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है, रोगों से रक्षा करने का काम करता है श्वेत रक्त कणिका यानी WBC। एंड दोस्तों, जो WBC होता है वह अस्थि मज्जा बोन मैरो के YBM यानी कि येलो बोन मैरो तथा लसिका ग्रंथि यानी कि लिम्फैटिक ग्लैंड से उत्पन्न होता है, बनता है, इसकी उत्पत्ति होती है। और WBC जो है दो प्रकार का होता है, ग्रेन्युलोसाइट एंड अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट यानी कि कणिका युक्त जो 70-75% भाग WBC का होता है, अग्रेन्युलोसाइट जो 25-30% भाग होता है। ग्रेन्युलोसाइट जो कणिका युक्त होता है इसमें तीन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वह क्या करता है, वह बैक्टीरिया से रक्षा करता है, क्या करता है यानी कि कोशिकाओं को हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती है, बैक्टीरिया से रक्षा करता है। जो बेसोफिल्स होता है वह बेसोफिल्स की संख्या बढ़ने से शरीर में गंभीर रोग हो जाता है, कार्बन आदि सूक्ष्म कणों का अंतर्ग्रहण करता है। और जो इओसिनोफिल्स होता है वो एलर्जी रोगों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब इओसिनोफिल्स एलर्जी हमारे शरीर में हो जाता है तो उस कंडीशन में इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, जैसे अस्थमा, इओसिनोफिलिया एलर्जी वाले रोग हैं, एलर्जी वाले रोग अस्थमा इओसिनोफिलिया हैं। और एंटीजन व एंटीबॉडी प्रक्रिया के फलस्वरूप बने कणों का परिग्रहण करती है। एंड दोस्तों, अग्रेन्युलोसाइट जो होता है 25-30% जो होता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट होते हैं, जिनमें से दोस्तों जो मोनोसाइट्स होता है सबसे बड़ी WBC कोशिका होती है, याद रखिएगा सबसे बड़ी WBC कोशिका कौन होती है, मोनोसाइट्स होती है। मोनोसाइट्स 5% होता है WBC का एंड सबसे बड़ी WBC कोशिका होती है। और मोनोसाइट्स क्या करता है, यह जीवाणुओं का भक्षण करता है, यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी भक्षण करने का काम करता है, यानी कि फाइगोसिटिक एक्टिविटी करता है। और जो लिम्फोसाइट होता है वह 25% होता है WBC का और सबसे छोटी WBC कोशिका होती है, याद रखिएगा सबसे बड़ी WBC कोशिका मोनोसाइट, सबसे छोटी WBC कोशिका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है इसकी उत्पत्ति जो है लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन, लीवर, लिम्फेटिक टिश्यू, बोन मैरो आदि में होता है। दोस्तों, जो लसिका गांठें होती हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड जो होती हैं उनसे इसका लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, डी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट जो होता है बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और बैक्टीरिया के खाने का काम, भक्षण करने का काम करता है आपका मोनोसाइट। एंड बैक्टीरिया को पहचानने का काम करता है कौन, एंटीबॉडीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जब फंक्शन की बात आए तो वह हो जाएगा फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में, जबकि बॉडी स्ट्रक्चर यानी बॉडी की संरचना की जो बात होती है वह एनाटॉमी में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस यानी कि यातायात परिवहन कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस, तो इसको कहते हैं गॉल्जी काय को, किसको कहते हैं, गॉल्जी काय को। तो याद रखिएगा गॉल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा को जहां प्रोटीन की कम जरूरत होती है वहां से प्रोटीन को उठा करके
जिस अंग को ज्यादा जरूरत होती है उसको दे देता है, यानी पूरी बॉडी को बैलेंस रखता है। इसलिए इसको कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, दो जेट लाइनों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको सार्कोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोमियर कहा जाता है दो जेट लाइनों के बीच की दूरी को। जैसे कि दोस्तों जो हमारा पेशी होता है वो पेशी तंतुओं से मिलकर बना होता है, और मसल्स फाइबर जो होता है उसके अंतर्गत एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं। एक्टिन फिलामेंट जो होता है थीन यानी पतला फिलामेंट होता है, जिसके अंदर दो प्रोटीन होते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। और जो मायोसिन होता है थिक फिलामेंट यानी मोटा फिलामेंट होता है, जिसके साथ एटीपी भी जुड़े रहते हैं। तो ये जो मोटा फिलामेंट, और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हो गया बीच वाला भाग मोटा फिलामेंट, यानी कि ये है आपका मायोसिन, और इनके जो पतला फिलामेंट होता है वो एक्टिन होता है। कौन होता है? एक्टिन। और एक्टिन की एक परत होती है जो मांसपेशी को घेर रहती है, उसे जेड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जेड लाइन। ठीक, ये बीच वाला आपका एक्टिन हो गया। इन दोनों जेड लाइनों के बीच कई सारे पट्टियां होती हैं, जैसे आई बैंड, ए बैंड, एच बैंड, एम लाइन एंड जेड लाइन। तो जेड लाइन जो है एक्टिन के बीचों बीच में एक जिग जैक लाइन एक्टिन की ही लाइन होती है जो कट करती है, इसी जिग जैक लाइन को जेड लाइन कहते हैं। एक जेड लाइन जो होता है एक कॉन्ट्रेक्टाइल जो पेशी होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी जो सार्कोमियर होती है पेशी के संकुचन की इकाई होती है। जब एक्टिन जो है मायोसिन के ऊपर फिसलती है, एक्टिन के मायोसिन के ऊपर फिसलने पर हमारी मांसपेशी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे बैंड होते हैं, आई बैंड होता है, ठीक है। तो आई बैंड आपका हो जाएगा, आई बैंड होगा जो खाली एक्टिन फिलामेंट में होती है, और ए बैंड जहाँ एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ए बैंड होता है। यहाँ पे जो है ए बैंड होगा जहाँ एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं। एंड एच बैंड जो होता है वह बीच में होता है, एच बैंड। ठीक, एच बैंड में जो होता है सिर्फ मायोसिन होता है। एच बैंड में क्या होता है? सिर्फ मायोसिन होता है। अब बीच में एक यम लाइन होता है। जब एक्टिन फिलामेंट मायोसिन पर फिसलती है तो मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कंडीशन में जो एम लाइन होती है वह समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बीच में केवल मायोसिन प्रेजेंट होता है एम लाइन में। तो एम लाइन जब मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एम लाइन जो होती है वो गायब हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है जिसमें जो प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, और एक्टिन के मायोसिन पर फिसलने पर जो होता है मांसपेशी संकुचित होती है, और दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को हम सार्कोमियर कहते हैं। दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को सार्कोमियर कहते हैं, और सार्कोमियर जो है पेशी के संकुचन की इकाई होती है, और पेशी की कार्यात्मक इकाई मायोफाइबर यानी कि फाइबर होती है, पेशी फाइबर होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो दोस्तों समस्त कोशिका का नियंत्रक करता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। कौन करता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जो है समस्त कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है, और न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंतर्गत केंद्रक द्रव्य होता है, और केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत बारीक धागों का एक जाल जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमोटीन जालिका कहते हैं, और जो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। और जब नई कोशिका बनती है यानी विभाजन के दौरान क्रोमोटीन जो है वो लंबे सूत्रों में कुंडलित हो जाती है। इन्हीं लंबे सूत्रों को गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं, और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स जो होता है वो किससे बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। यह 23 जोड़ यानी 46 गुणसूत्र मनुष्य में पुरुष महिला दोनों में पाए जाते हैं, जिसमें से आपको पता है डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और
जो प्रोटीन होता है, और डीएनए से जीन का निर्माण होता है जो अनुवांशिकता की मूल इकाई होती है, और जीन क्या करता है, व्यक्ति के अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इस प्रकार कोशिका को न्यूक्लियस को यानी केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है, तो प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है, तो दोस्तों प्लाज्मा में 90% जल यानी पानी होता है, और 8% प्रोटीन होता है, और 0.9% नमक यानी साल्ट, जिसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन होता है, एंड प्रोटीन 0.1% ऑर्गेनिक मटेरियल एंड कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, फैट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, अमोनो एसिड होता है। ये सबको याद रखना भी आपको डीपली जरूरी है। और प्रोटीन जो होता है 8% प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाया जाता है, उसके अंतर्गत 4 प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथोम्बिन, फाइब्रिनोजन, जिसमें से प्रोथोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों लीवर में बनते हैं, लेकिन पाए कहाँ जाते हैं, यानी कि यकृत में यानी लीवर में बनता है बट पाए जाते हैं ब्लड में यानी प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में और भी पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम, एटीजन। जैसे कि कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रवाहित होता है, तो जितना भी मैंने अभी नाम लिया सभी प्रवाहित होते हैं। और प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है, सभी पोषक तत्वों जैसे नमक, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स को ऊतकों यानी कोशिकाओं तक पहुँचा करके अच्छे पदार्थों को, वहां से बेकार पदार्थ को ले करके जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, लैक्टिक एसिड, CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथोम्बिन, जिसमें से एल्ब्यूमिन जो होता है वो रक्त परासरण दाब को पर नियंत्रण करता है, जो ग्लोब्यूलिन होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, एंटीबॉडीज क्या करता है, शरीर में इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, एंड फाइब्रिनोजन जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का जमाने में दोस्तों सहायता कौन कौन करता है, अगर ब्लड प्रोटीन में कहे तो फाइब्रिनोजन, प्रोथोम्बिन, ये दोनों रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, और जबकि हमारे विटामिन से विटामिन के करता है, और खनिज लवणों में कैल्शियम जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, एंड जो हमारे हाँ ये सभी जो चीज़ें जो है, और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उसमें प्रोथोम्बिन यानी कि जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान रचना व समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, दोस्तों उसे ऊतक कहते हैं। तो ऊतक जो है 4 प्रकार का होता है, इपिथिलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोशिका यानी सेल। नेक्स्ट है, किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है, दोस्तों तो डीएनए जांच द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना जा सकता है और उसमें अंतर किया जा सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर उष्मा दर्शाता है, तो वह उष्मा को गर्मी को दर्शाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिकीय श्वसन नियंत्रण कराता है, तो दोस्तों कोशिका श्वसन का नियंत्रण या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, वो होता है माइटोकांड्रिया में कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है दोस्तों, जिसे ऊर्जा गृह कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखिएगा, ये हमारा कोशिका है, ठीक है, कोशिका है, ये बीच वाला भाग जो है एक केंद्रक है, क्या है, एक केंद्रक है, ठीक है। तो केंद्रक में जो द्रव्य भरा रहेगा उसको हम केंद्रक द्रव्य कहेंगे, और जो कोशिका और कोशिका द्रव्य जो केंद्रक झिल्ली है बाहरी वाला पार्ट क्या है, केंद्रक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो भरा रहेगा उसको कहेंगे हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और दोनों की मिलाकर यानी कि इसको और इसको दोनों को मिला करके दोस्तों हम कहेंगे जैव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो
जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कोशिका, सीधे पूछेगा कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है तो जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच तो भी साइटोप्लाज्म, पूरी कोशिका में तो जवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, या कभी कभी ये पूछ लेता है कि कोशिका साइटोप्लाज्म को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म यानी याद रखिएगा वही द्रव्य पूरी कोशिका में भरा हुआ है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, पूरी कोशिका में भरा है तो जैव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, खाली कोशिका केंद्रक केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में है तो वही उसी चीज का नाम हो जाता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और पूरी कोशिका में है कोशिका केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर तो जैव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है दोस्तों? तो अभी जस्ट मैं बताई हूँ, लाइसोसोम को कहा जाता है जो कोशिका में सफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसकी सहायता से कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार करती है दोस्तों? तो वह शरीर से यानी सेल बॉडी से बात कर रहा है, तो जो हमारा न्यूरॉन होता है दोस्तों, न्यूरॉन जो होता है उसमें एक्सॉन और डेंड्राइट होता है। क्या होता है? एक्सॉन एंड डेंड्राइट होता है। ये हमारा न्यूरॉन हुआ, सेल बॉडी हुआ, इससे कई सारे डेंड्राइट निकले हैं, ठीक है, पतले पतले डेंड्राइट निकले हैं, ठीक है, और इसी सेल बॉडी से क्या है, ये निकला हुआ है आपका एक्सॉन। क्या निकला हुआ है? एक्सॉन। ये एक्सॉन अंत में जाकर के कई सारे तंत्रों में बट जाती है, तो जो हमारा ये डेंड्राइट होता है ये संदेश को प्राप्त करता है, क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन से संदेशों को प्राप्त करता है, कौन? डेंड्राइट्स, और फिर प्राप्त करके कहाँ जाता है? सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से नाड़ी संवेदन का संचार कहाँ होता है? एक्सॉन में। ये एक्सॉन कहाँ ले जाएगा? दूसरे न्यूरॉन में। ये कह क्या रहा है कि कोशिका किसकी सहायता से कोशिका शरीर से यानी सेल बॉडी से नाड़ी संवेदन का संचार होता है, सेल बॉडी से बोल रहा है, तो सेल बॉडी से एक्सॉन ले जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्सॉन, ठीक है। अब सेल बॉडी की ओर कौन संदेश ले जा रहा है? तो वो होगा आपका डेंड्रॉन, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, डेंड्राइट्स की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश यानी आदेशों को ग्रहण करके उनको ले जाना पड़ता है। अभी जस्ट मैं बताई हूं, तो डेंड्राइट्स क्या करता है? सेल संदेशों को प्राप्त करता है, प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर ले जाता है, सेल बॉडी की ओर यहां पे राइट होगा, और सेल बॉडी से अन्य न्यूरॉन या कोशिकाओं या पेशियों तक कौन ले जाता है? तो एक्सॉन ले जाता है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स जो है संदेश प्राप्त करता है, और जबकि प्रेषक करता कौन है, भेजने वाला कौन है? एक्सॉन। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, तो किससे घिरी होती है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है गलत आंसर है। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, किससे घिरी होती है? कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, किससे घिरी होती है? कोशिका चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली को कई नामों से जाना जाता है, सेल मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा लेमा, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आदि नामों से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, माइटोकांड्रिया संबंधित है, तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे कोशिकीय श्वसन यानी वायवीय श्वसन एरोबिक एस्पिरेशन संपन्न होता है, जो ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का अध्ययन कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, अस्थियों के अध्ययन को आर्टियोलॉजी, जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी, एंड मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी, एंड उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी आदि नामों से, आदि अध्ययन को इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक यानी टिश्यू बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्तक यानी टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है, अस्थि मज्जा किस प्रकार का उत्तक है? अस्थि मज्जा दोस्तों एक संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। अस्थि मज्जा किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है दोस्तों। संयोजी उत्तक के अंतर्गत हमारा
टेंडन्स, लिगामेंट, उपास्थि, अस्थि, ब्लड एंड लसिका, लिम्फ एंड व्हाइट फाइबर्स एंड एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलेट, इस सभी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आएंगे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि दो अंगों को जोड़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है कोशिका यानी सेल को। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिका की खोज किसने किया, तो इसको रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया, वो भी एक पौधे के छाल में। उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो जैसे कि जेल की कोठरियां होती हैं उस प्रकार की आकृति दिखी, यानी इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया सबसे पहले। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है, तो दोस्तों मानव शरीर की जो कोशिका होती है पानी, प्रोटीन और नाभिकीय तेजाब यानी न्यूक्लिक अम्ल से बनी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, एंडाणु यानी कि ओवम इंग्लिश में, एंड पुरुष की जनन कोशिका को शुक्राणु यानी कि स्पर्म बोला जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो गेमेटस बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नाभिक यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रिका की खोज, जो कोशिका में केंद्रक होता है उसकी खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। नेक्स्ट है दोस्तों, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता के पितामह किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, इन्होंने मटर के पौधे पर सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट दोस्तों, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो अभी जस्ट मैं बताई हूँ, इससे पहले प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि साइटोप्लाज्म को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको प्रोटोप्लाज्म यानी कि जौद्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव रस अनुपातिक मिश्रण होता है किसका, जो हमारे समस्त कोशिका में द्रव्य भरा रहता है उसे जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो पानी और प्रोटीन का दोनों में अनुपात होता है 3:1 यानी कि 70-80% यहाँ पे पानी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्रिया विज्ञान, फंक्शन की बात करें तो फिजियोलॉजी कहेंगे, स्ट्रक्चर यानी रचना की बात करें तो एनाटॉमी कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहते हैं, तो एनाटॉमी को कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं को दूसरे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट, एंड आरबीसी को दूसरे नाम से इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट आदि नामों से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी को पूछेगा तो लिकोसाइट। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 3-5 दिन का होता है दोस्तों, 10-12 दिन का होता है, 3-5 दिन तो डब्ल्यूबीसी का होता है, बट दिया हुआ है। एंड जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो होता है आपका 90-120 दिन, कितना होता है 90-120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी में आपका आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है प्रति 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन के संवहन का काम करता है, ठीक है। एंड जो संख्या होती है प्रति 100 ml रक्त में 50 लाख कोशिकाओं की संख्या होती है आरबीसी में, यानी कि प्रति 1 ml रक्त में आरबीसी की संख्या 50 लाख यानी 5 मिलियन होती है, और प्रति घन मिलीलीटर यानी प्रति मिलीलीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी संख्या होती है 5,000 से 11,000, और प्लेटलेट्स की होती है 1.5 लाख से 5 लाख। नेक्स्ट, रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रक्त की पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान होता है 7.35 से 7.45। जैसे कि दोस्तों जब पीएच वैल्यू जो होता है अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय रहेगा, अगर 7 है तो न्यूट्रल यानी कि अम्लीय रहेगा, न क्षारीय रहेगा, उदासीन रहेगा। अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा, यानी कि रक्त का पीएच मान कितना है 7.35 से 7.45, यानी कि रक्त कैसा है, क्षारीय है। नेक्स्ट है दोस्तों,
ग्रे मैटर व्हाइट मैटर किसके निर्माणक है? तो दोस्तों ये स्नायु तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र का निर्माणक है। नेक्स्ट है WBC में लिम्फोसाइट का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 25% होता है दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग 30% कर दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों WBC का कार्य क्या होता है? तो WBC जो होता है व्यक्ति के शरीर को बीमारियों से बचाता है, ठीक है, संक्रमण से बचाता है। कोई भी चीज दे सकता है आपको संक्रमण से बचाना, बीमारियों से बचाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाओं की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? सबसे बड़ी कणिका होती है मोनोसाइट, जो बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम करती है। और सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन होती है? लिम्फोसाइट, जो क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म में, जिसमें 2 ATP का निर्माण होता है। और क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकांड्रिया में, जिसमें 36 ATP का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है और वायवीय श्वसन के फलस्वरूप होता है, जबकि माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र जो श्वसन होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन यानी वायवीय श्वसन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? तो हड्डियों को कोशिका को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में कोशिका से रिलेटेड मुख्य आपके वन लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो होगा मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।